गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और ये चैप्टर थर्ड है द ज़ॉम्बी ट्री। दिस इज द स्टोरी अबाउट द ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी ट्री। जामुन का पेड़ आपने देखा है, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का पेड़ बच्चों आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो बिफोर स्टडी वी शुड नो द वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग हमें जान लेना चाहिए। इधर वर्ड्स एंड सेम है मीनिंग। फॉरेस्ट मीन्स जानते हैं आप जंगल होता है, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, एंड एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड एरिया covered with trees। Tree big tall branch tall branch with woody trunk। तो ट्री बोलते हैं जिसके पास woody trunk होता है। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़, पटूर फॉर क्रचिंग टूल, पटूर फॉर क्रचिंग यानी लकड़ी का काटने का। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, स्ट्रेंजर मीन्स होता है एन अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हैं अजनबी। विलेजर्स villagers, people who live in a village, people who live in a village, villagers जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उनको villagers बोलते हैं, right? scared, scared मतलब डरे हुए। So students, here the word meanings. Now you are aware with the new words of these chapters. Let's start the study the chapters. This story is about two children, Gaurav and Ali. Yeah, kahani do bachcho Gaurav aur Ali ke bare mein hai. Who lived in a village near the forest, जो जंगल के पास एक गांव में रहते थे। They saved jamuni tree, जामुनी ट्री को बचाए। अदर ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, दूसरे भी पेड़ों को कटने से। तो आप चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड टू चिल्ड्रन गौरव आली इन ए विलेज नियर पंचवटी फॉरेस्ट। तो गौरव और अली पंचवटी जंगल के पास के एक गांव में रहते थे। The two boys loved to rest under a big jamun tree in the forest. दोनों बच्चे बड़े जामुन जंगल में बड़े जामुन पेड़ के नीचे आराम करना पसंद करते थे। This jamun tree had a thick trunk. इस जामुन पेड़ के पास बहुत ही मोटा ट्रंक था। Lots of branches and leaves. बहुत सारे शाखाएं और पत्तियां। अली एंड गौरव रेस्ट इन इट सेड, अली और गौरव इसके सेड मतलब छाया, रेस्ट मतलब आराम करते थे। अली एंड गौरव
रेस्ट इन इट्स सेल, अली और गौरव इसकी छाया में आराम करते थे। समटाइम्स दे वुड प्ले हाइड एंड सीक अराउंड इट, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स दे वुड प्ले हाइड एंड सीक अराउंड इट, वे इसके आगे पीछे लुका छुपी खेलते थे। दे वुड समटाइम क्लाइंब द ट्री, वे जो है कभी कभी पेड़ों पे चढ़ जाते थे। एंड सीट अमंगस्ट इट्स लीव्स, और उसके पत्तियों के बीच में बैठते थे। गौरव वुड से, गौरव जो है कहा करता था, लुक एट दोज स्क्वायरल्स, उन गिलहरियों को देखो, दे लाइक टू रन आफ्टर ईच अदर, वे एक दूसरे के बाद जो है दौड़ना पसंद करते हैं। द ट्री वॉज ए होम ऑफ मैनी बर्ड्स, ट्री भी कई पक्षियों का घर था। वंस अ ईयर, एक साल, द ट्री वुड गेट लेडन विद पर्पल जाम्स, एक साल पेड़ जो है पर्पल जामुन से लद गया। गौरव एंड अली वुड कलेक्ट द जामुन्स फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, गौरव और अली ने कलेक्ट किया जामुन्स को स्वयं के लिए और स्वयं की फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। दे हैव नेम्ड द जामुनी ट्री, जामुनी मीनिंग्स द पर्पल वन, और वे उसको नाम दिए थे जामुनी, जिसका मतलब होता है कि गुलाबी, राइट। वन मॉर्निंग गौरव एंड अली सा थ्री मैन एट रामू चाचाज टी स्टॉल, एक सुबह गौरव और अली ने तीन आदमी को रामू चाचा की चाय की दुकान पर देखा। दे वर कैरिंग एक्सेस, वे एक्सेस ले जा लिए थे, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी लिए हुए थे। कैन यू टेल अस द वे टू फॉरेस्ट, वन ऑफ देम आस्क्ड रामू चाचा, हाँ कि क्या तुम मुझे जंगल का रास्ता बता सकते हो, उनमें से एक ने रामू चाचा से पूछा। आफ्टर द मैन लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट, और इसके बाद वे लोग जंगल चले गए। गौरव से, गौरव ने कहा, व्हाट विल दीज मैन डू विद द एक्सेस, ये आदमी इन कुल्हाड़ियों के साथ क्या करेंगे। तो वी मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड फाइंड आउट, हम लोगों को जंगल जाना चाहिए और पता करना चाहिए, सेड अली, अली ने कहा। ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, और जंगल पहुंचकर, दे हर्ड नॉइस थक 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 थक, वे जो है जंगल पहुंचकर वे आवाज सुने थक 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 थक। द स्ट्रेंजर वर कटिंग डाउन सम ट्रीज, जो अजनबी थे उनसे, जिनको उन्होंने देखा था, वे पेड़ों को काट रहे थे, कटिंग डाउन सम ट्रीज। स्टॉप दैट, गौरव एंड अली शाउटेड लाउडली, गौरव और अली ने बहुत तेजी से चिल्लाए थे, रुको, व्हाई आर यू कटिंग डाउन दीस ट्री, तुम इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो, गो अवे बॉयज, डोंट डिस्टर्ब अस, सेड वन ऑफ द मैन एंगरली, एंगरली मतलब क्रोधित होकर, उनमें से एक आदमी ने कहा कि गो अवे लड़को, गो अवे, बाहर दूर जाओ लड़को, डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। द टू बॉयज डिड नॉट लाइक द ट्रीज बीइंग कट डाउन, दोनों लड़के पेड़ों का कटना पसंद नहीं किए। दीज मैन वुड सून कट डाउन जामुनी ट्री, और एक आदमी बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्द ही जामुनी को भी काट देंगे। लेट्स गो आस्क आवर टीचर फॉर हेल्प, वही कहे आओ हम लोग चले और अपने टीचर से मदद मांगे, सेड अली, अली ने कहा। दे रैन टू देयर टीचर्स हाउस, वे अपने टीचर्स के घर गए। टीचर वाज वेरी अपसेट व्हेन हर्ड बॉयज स्टोरी,
टीचर बहुत दुखी हुआ जब वह लड़कों का आवाज सुना, इस कहानी सुनी। ही रैंग द स्कूल बेल लाउडली, वह रैंग घंटी बजाया, रैंग बेल मतलब घंटी, लाउडली मतलब बहुत तेजी से घंटी बजाया। ऑन हियरिंग द बेल, अब बेल सुनकर विलेजर रैन टुवर्ड द स्कूल, विलेजर्स स्कूल की तरफ दौड़े। टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उनको बताया, व्हाट दैट थ्री मैन वर डूइंग, कि तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं। विलेजर्स ग्रू वेरी एंग्री, विलेजर्स बहुत क्रोधित हो गए। दे फॉलोड द बॉयज इनटू द फॉरेस्ट, वे लड़कों के पीछे पीछे जंगल गए। द मैन वर अबाउट टू कट डाउन जामनी ट्री, और वे लोग आदमी जामनी ट्री को काटने वाले थे। अबाउट टू कट डाउन, अबाउट टू कट जामनी ट्री, स्टॉप, डोंट टच द ट्री, पेड़ों को मत छुओ, shouted the villagers, villagers चिल्लाए। The man got scared of seeing so many people, और जो वे आदमी थे वे इतने लोगों को देख कर डर गए। They threw away their axes, वे अपने कुल्हाड़ी को फेंक दिए। द मैन गॉट स्केयर्ड ऑफ सीइंग सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को देख कर वे लोग डर गए। दे थ्रू देयर एक्सेस, वे अपने एक्सेस को फेंक दिए, थ्रू मतलब फेंक दिए। एंड रैन अवे, और वहां से भाग गए। दस गौरव एंड अली सेव्ड जामनी, और इस प्रकार दस मिनट इस प्रकार गौरव और अली ने जामनी और दूसरे प्रेमी को बचाया। गौरव एंड अली सेव्ड जामुनी एंड अदर ट्रीज। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑल द विलेजर टुक टर्न एट गार्डिंग द ट्रीज, और उस दिन से सभी गांव वाले बारी बारी से पेड़ों की रक्षा करने लगे, गार्डिंग मतलब सुरक्षा करने लगे। इफ वी लव समथिंग वी मस्ट केयर फॉर इट, यदि हम कुछ पसंद करते हैं तो उसे हमें केयर ही करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय द चैप्टर वेल। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।